हेलो काशी आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये ट्रिप का दूसरा दिन है राजस्थान में। हम हैं नाथद्वारा में। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठे हैं और जा रहे हैं दर्शन के लिए। अभी प्रेम भाई हमारे से आगे हैं और रास्ते में नाथद्वारा की छोटी एंड सकरी गलियों में हमें एक भाई मिल गए हैं जो हमको लेके जा रहे हैं नाथद्वारा मंदिर के दर्शन करवाने। तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी क्वालिटी डाउन है, तो वो मैनेज वो कर लीजिएगा मैंने। ठीक है, तो पहले दर्शन करते हैं। और ये देखिए गलियां, वैसे बहुत अंधेरा है यहाँ पर सुबह, तो यहाँ खड़े रह के एक इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ, तो आज का प्लान है हमारा हल्दी घाटी जाने का। काफ़ी अच्छी बढ़िया वाली चाय बनाते हैं भैया जी, ऐसे मग में पी सकते हैं, जिसकी प्राइस 20 रुपये है, लेकिन चाय गजब की है भाई, गजब की चाय है। दिन बन गया पूरा भाई की चाय पी के। जय श्री कृष्ण। यहाँ जो है अपने शूज़ वगैरह उतारने पड़ते हैं और काउंटर वहाँ पर सभी चीज़ें जमा करवाने के बाद हम मंदिर में जा सकते हैं। मोबाइल कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलो, ये श्रीनाथ जी मज़ार पूरी हो रखी है यहाँ पर, और भगवान श्री कृष्ण के श्रीनाथ जी के दर्शन करके भाई मन पावन हो गया और धन्य हो गया। इतनी लंबी राइड करके आए और सुबह इतनी भीड़ थी मंदिर में, सब कुछ ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन माने यार इतनी लंबी लाइन थी और बहुत सारी पब्लिक, बहुत भीड़ अंदर इकट्ठा हो रखी थी, तो दर्शन तो हो गए सक्सेसफुली। और अब निकल रहे हैं यहाँ से हल्दी घाटी, तो जल्दी से निकलते हैं। और हल्दी घाटी पर आप महाराणा प्रताप की जो जगह है उसके लिए तो रिवॉर्ड ही नहीं मेरे पास के क्या, मतलब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं। जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। तो यही वाली जगह है, ये अपना वाला रूम है जहाँ पर रुके थे। चाबी कहाँ है का? यहाँ पर खड़ी अपनी चुटकी पार्किंग में। अभी हमने स्लीपिंग बैग नहीं उतारे थे, इसकी होटल में जरूर नहीं पड़ी। दोनों बैग रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। प्रेम भाई गए हैं अपने पानी भरने के लिए। जैसे प्रेम भाई पानी भर के आते हैं, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। 12 बजे सो गए थे, रुके सुबह ही उठे 5 बजे, 5 बजे रेडी होके निकले हैं यहाँ से, मतलब दर्शन के लिए। दर्शन में लंबी लाइन लगने के बाद दर्शन करके अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह, और आज 7 तारीख है, 7 अक्टूबर। आज का प्लान है हमारा हल्दी घाटी, जो यहाँ से रह गया सिर्फ 20 किलोमीटर, वहाँ जाएंगे, एक आध घंटे में शूट बुक करेंगे और वहाँ से निकलेंगे अपना जयपुर। ठीक है, तो पीछे चुटकी रेडी हो रही है अपनी। प्रेम भाई आ गए। प्रेम भाई लगेज बांध के निकलते हैं क्यों? तो हम लोग कैसे ओंकार भाई के होटल में। ओंकार भाई चलो मिलते हैं दोबारा, सफर है, सफर में तो मिलता रहे। आपकी यात्रा बड़ी मंगलमय हो। थैंक यू भाई। ओंकार भाई हेलो कचियानी भाई, नाथद्वारा से निकले हैं और जा रहे हैं हल्दी घाटी। सुबह बजे हैं अभी, शायद 8-8:30 बजे होंगे। वैसे कल थोड़ी थकान तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह जल्दी उठे हैं और दर्शन में हमें लगा सुबह कोई नहीं होगा, लेकिन भाई साहब 5 बजे के बावजूद भी भाई साहब क्या बताएं, बहुत सारी लंबी लाइनें थी और ज़्यादातर लेडीज़ थी। बड़ी मुश्किल से यूँ कहा जाए कि हमें दर्शन के अवसर मिले हैं, तो दर्शन कर लिए फाइनली और निकले हैं अभी अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर। रास्ता काफ़ी हसीन है, वैसे ये जो रास्ता है इसे देख के मुझे लोनावला की याद आ गई। जब मैं लोनावला जा रहा था उस रास्ते भी ऐसी ही हसीन वादियां हैं, और यहाँ पर भी साइड में तालाब है काफ़ी खूबसूरत सा, और हरियाली बहुत है यार, देखिए कितनी सारी, पूरा ऐसा लग रहा है कि जंगल के बीच में से गुजर रहे हैं। रात को वैसे हमें
एक और समस्या का सामना करना पड़ा था। ये जो पानी आप देख रहे हैं साइड में, ये पानी काफ़ी स्तर इसका ज़्यादा था, इस वजह से बैग के अंदर भी पानी गया था यार। कुछ नीचे पड़ी हुई चीज़ें भीग गई थी, लेकिन वो तो सुखा दिया हमने। अच्छा है कि रात को जाते वक्त रूम मिल गया, काफ़ी लेट। रास्ता तो काफ़ी अब तक सही है, रात को तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि लास्ट 50 किलोमीटर जो रास्ता आया है ना, 500 किलोमीटर की पूरी कसर उस रास्ते ने निकाल दी थी। लेकिन बढ़िया है, फ़िलहाल तो रास्ता सही जा रहा है और हम लोग मन में तरंग दिल में उमंग लिए निकल चले हैं। और काफ़ी गर्व भी हो रहा है कि ऐसी जगह जा रहे हैं, महाराणा प्रताप की म्यूज़ियम और हल्दी घाटी, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच, और अकबर की सेना को काफ़ी दूर तक खदेड़ दिया था। और गुरिला वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, मतलब आदिवासी भील और महाराणा प्रताप की सेना ने कुछ इस तरह से युद्ध किया था कि पूरी जो अकबर की सेना है वो यहाँ से भाग खड़ी हुई थी। और हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है इस जगह को कि इस जगह की मिट्टी जो है हल्दी की तरह पीले रंग की है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे बीच बीच में देखने को मिल जाते। ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी से उत्तराखंड पहुंच गया हूँ। पर्वतों के ऊपर जो घास हो गई है, ये फाइनली लास्ट जो बारिश हुई थी उसी के हिसाब से है। और जो भी बंदे अभी देख रहे हैं उनके लिए मिट्टी तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोल रखा है कि हल्दी घाटे जा रहे हो तो मिट्टी लेके आना। तो भाई सभी के लिए मिट्टी लेके आऊंगा मैं, और काफ़ी सारी लेके आऊंगा हल्दी घाटी से। हम बस जस्ट पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी मैप का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि रास्ते में हमारे हिंदुआ सूरजवीर महाराणा प्रताप के काफ़ी सारे बैनर और फ़ोटोज़ लगे हुए आ रहे हैं। देखिए साइड में यहाँ पे भी लगे हुए हैं। और बस म्यूज़ियम का बैनर आ गया, यानी हल्दी घाटी काफ़ी करीब है। फिर से बोर्ड आ गया हल्दी घाटी का, स्लोली चला रहे क्यों लोड लेने का, अपने को कोई जल्दी नहीं है भाई, आराम से जाएंगे, दर्शन वगैरह करेंगे। मुझे लगता है सामने वाली पहाड़ी जो है वही हल्दी घाटी है शायद, पता नहीं यार, श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगता तो ऐसा ही है। जैसे कि माहौल बन गया पूरा, और एक काफ़ी एक ऐसा कहा जाए कि खुशबू सी फैल गई है पूरे माहौल में। और बीच बीच में ये रोज़ करके कुछ पता नहीं आ रहा है, कुछ बार बार रोज़, मुझे लगता है रोज़ का कुछ फेमस है यहाँ पर, रोज़ शरबत करके, तो वो भी ट्राई करेंगे रास्ते में रुक के कहीं पर, देखते हैं मौका मिले तो। यहाँ पर सही है, चलो गाड़ी मोड़ते हैं यहाँ पर। और ये क्या, अरे वाह, आई लव हल्दी घाटी, बोर्ड भी आ गया, चलो मोड़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तो भाई फ़ोटोज़ बनते ही हैं, ऑफ कोर्स बनते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सब बैनर यहाँ पर, मतलब बोर्ड कह सकते हैं लगा हुआ। चुटकी भाई रुक तू, हम लोग यहाँ पर चुटकी के साथ लेते हैं थोड़े बहुत फ़ोटोज़। देखिए ओवरऑल व्यू कितना गजब सा लिखा हुआ, हल्दी घाटी, वाह मज़ा आ गया भाई देख के। देखो ये लिखा हुआ हल्दी घाटी, और चलिए फोटोज़ वीडियोज़। प्रेम भाई बैठिए पीछे, फोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी हो गए, अब से यार चलते हैं वापस हल्दी घाटी, क्योंकि यार कल फिर निकलना है, क्योंकि यार कल फिर निकलना है जयपुर की ओर, तो काफ़ी लिमिटेड टाइम लेके निकले हैं। और रोज़ शरबत का मैंने देखा रास्ते में काफ़ी सारे बोर्ड, तो मुझे लगता है कहीं पे तो ये रोज़ शरबत टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ तो स्पेशल है ऐसा। ये लो आ गए हल्दी घाटी, मिट्टी का रंग देख सकते हो, यही हमारी हल्दी घाटी। कच्छी आर्मी, अभी हम रुके हैं हल्दी घाटी, बलिदान की भूमि जिसे कहते हैं, और कहते हैं कि इस मिट्टी से तिलक करो, तो हमने इस कहावत को सच्चा कर दिया है। और ये देखिए हल्दी घाटी, और चलो व्यू दिखा दे यहाँ का। वैसे यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होती है आमतौर पर,
ये बोर्ड लगा हुआ हल्दी घाटी का, यहाँ की मिट्टी का, यहाँ की मिट्टी का सीन दिखा दें आपको। ये देखिए हल्दी घाटी, ये है हल्दी घाटी राजस्थान। तो हल्दी घाटी के मिट्टी से हमने तिलक कर लिया है और काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पर ऐसे सुरवीर और ऐसे वीर योद्धा हुए हैं। इस घाटी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच, तभी से यह घाटी काफ़ी फेमस है। लेडा हल्दी मैदान माते यव नौनी फौज हमें वरवान हैला साही मुगलोनी फौज माते एकलो त्राट को राणो अटको एकता वीना तो कुना मनाण माडा राजपूती फौज माते तोय लेडा नार बंका महादेव नामदारी महादेव। रास्ते में जो है ऐसी जूस की बहुत सारी दुकानें हो रखी थी और जो यहाँ का फेमस है रोज का जूस, मतलब क्या बोलते हैं रोज का शरबत। तो ये है कार्ड रोज किंग, पीछे दिए हुए नंबर, उसके साथ साथ आपको ये कुरियर भी कर देंगे। रेट लिस्ट इस पे आ जाएगी किस किस की चीज़ के क्या क्या रेट है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये है देखिए दुकान अपनी, ये टेस्ट करो, एक पान का फ्लेवर है। बोलिए, हल्दी घाटी में स्पेशल चैत्री रोज की खेती होती है, वो वर्ल्ड में हल्दी घाटी में होता है चैत्री रोज। ये कम से कम महाराणा प्रताप के इतिहास के टाइम का है, उस टाइम से ये हल्दी घाटी में गुलाब हो रहा है। इसका क्या स्पेशलिटी है कि ये साल में एक ही महीना फूल आता है, दिसंबर जनवरी वो बता रखा है उसका कटिंग समय है, और मार्च और अप्रैल में इसका फ्लावर आता है। पूरे साल में एक ही महीना फ्लावर आता है, और ये गुलाब क्या औषधि गुलाब है। इसका जो भी प्रोडक्ट है, इसका जो गुलकंद है वो मेडिकेटेड है, पेट में अल्सर है, पाइल्स है, गर्मी का कोई भी दिक्कत है उसके लिए स्पेशल है, उसका गर्मी ख़त्म हो जाता है इसका गुलकंद खाने से। और इसका शरबत है वो एकदम ताजगी देता है ठंडक के लिए, उसको पीते एकदम ताजगी मिलती है। और इसका जो रोज़ वाटर है वो आइज़ के लिए स्पेशल, आँखों के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए है, और फेस पे भी लगा सकते हो, आँखों में वो जलन नहीं करता है, ऑर्गेनिक ही रहता है, उसका ये खासियत है। तो भाई जी क्या नाम आपका? मेरा पवन माली। पवन भाई ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें, जहाँ पर जो स्पेशल रोज़ प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं, जो शरबत है और भी वगैरह है ऑर्गेनिक, और तो मेरे से तो ज़्यादा इनको भी पता है इनके बारे में, तो क्या ही कहूँ। जो भी बंदे जिनको भी चाहिए, आप पार्सल भी बेच सकते हो, ऑल इंडिया कुरियर है, कुरियर भी कर सकते हो, ऑल इंडिया कुरियर सर्विस। तो मैं इन भाई का एड्रेस दे देता हूँ, हम भी ट्राई किए, बहुत ही शानदार वाला टेस्ट है शरबत का, और भी गुलाब की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एक्सप्लेन की हमारे पवन भाई ने। यहाँ का फेमस रोज़ का शरबत कैसा है भाई? चीयर्स। गजब, एकदम गजब, बहुत ही टेस्टी रोज़ का शरबत यहाँ पर मिलता है। मेरे पीछे जब हल्दी घाटी वाले रास्ते पे होते हो, रास्ते पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, यहाँ से आपको घर के लिए पार्सल भी ये लोग कर देंगे। मेरे पीछे भी दुकान का एड्रेस देख सकते हैं आप, रोज किंग करके दुकान है। चलो यूज, चलो शरबत पी के जल्दी से फुटते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको रास्ते में। रियल यार, भाई का शरबत जो था काफ़ी गजब था और काफ़ी टेस्टी, इसमें कोई जात का कलर नहीं था। और देखिए ऐसे मस्त पोस्टर हमारे राणा प्रताप के आ रखे हैं, देख देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है और गर्व हो रहा है काफ़ी, कैसी जगह हम जा रहे हैं। हाँ तो आते हैं पॉइंट पे, तो रोज़ जो है थोड़ा महंगा है शरबत, लेकिन भाई कचरा खाने से अच्छा है तो ये ओरिजिनल चीज़ें ही इस्तेमाल करें। काफ़ी महंगी है, लेकिन ओरिजिनल तो महंगे ही होते हैं, और मार्केट में मिलने वाले कचरे को 100 गुना ज़्यादा है। और बिल्डिंग दिख गई है, बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रखे हैं, क्या बात है, लगता यही है म्यूज़ियम। तो यहाँ कहीं कोने में बाइक खड़ी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं म्यूज़ियम के कुछ नज़ारे। तो बस पार्क करते हैं कहीं पे। हाँ तो बात करते हैं हल्दी घाटी की, तो अकबर की बात करें तो इतना डरपोक था कि कभी भी आमने सामने राणा प्रताप के सामने नहीं आया, बहुत ज़्यादा फटती थी कि रात को सो भी नहीं पाता था। और इसी के अकॉर्डिंग हम गीत प्ले करने वाले हैं अपने राजबा गढ़वी का, चाहे यूट्यूब मेरे पे कॉपीराइट क्लेम लगा दें, लेकिन राजबा का तो ये गीत बजेगा, और वो भी गुजराती में, समझे वो ठीक है, वरना
एंजॉय कीजिए म्यूजिक। जे तक नो एक असवारो रे, जे तक नो एक असवारो रे, उबाहा थी हण मारो। जे तक नो एक असवारो रे, उबाहा थी हण मारो। ध्रुव जावे राज दिली ना, एक लिंगी नो एक यारा दो रे। अब लोग अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हल्दी घाटी, और मेरे पीछे म्यूजियम दिख रहा है, हमारे हिंदू असुरज वीर महाराणा प्रताप का म्यूजियम। तो अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको म्यूजियम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई है। जो मैं इस वक्त हूँ, बहुत ही ऐतिहासिक जगह हल्दी घाटी। एक बंदे की टिकट है 120 रुपये, और हम दो हैं तो हमने दिए 240। प्रेम भाई, आप अक्षय कुमार की तरह पूरे ट्रिप में ऐसे ही बोल रहे हो, छुट्टे नहीं है, छुट्टे नहीं है। अब करवा लेना 10-10 की छुट्टी, ये लो जलसा करो। तो हम टिकट चेक करवा के जा रहे हैं म्यूजियम में। मैरो एक मौन निहारे रे, एवो कूण दीप विचारे रे। मैरो एक मौन निहारे रे, एवो कूण दीप विचारे। अटक्यो बस एक ताबीना, एक लिंगी नो एक यारा दो रे। आवो वट राखियो राणा, आवो वट राखियो राणा, आवो वट राखियो राणा रे। पुत्र जण जेड़ो राण प्रताप, अकबर हुतो उद्र के अन जाने सिराणे साप। हे जगत जननी, हे मां, हे जोग माया, हे भारत वर्ष नी शक्ति, तारे जो दीकरा ने जन्म देवो हो तो महाराणा प्रताप जेवा दीकरा ने जन्म आपजे। के अकबर ने त्रण त्रण पथारियों जीवन में फेरवी पड़ती, एक रात नी मालिक को त्रण पथारी फेरवे त्यारे एने खबर पड़े एवो महाराणा प्रताप। 25-25 वर्ष जेने अपना हिंदू धर्म ने बचावा माटे पोताना परिवार साथे आरावली ना पहाड़ मा रही, अन कुण ए आजादी चाहे तने लाख करू मनवार। आथो तृण चेतक चरे अन आधे में परिवार, अर्धु खड़ चेतक खाय अन एना बी भरड़ी अन राणा प्रताप नो परिवार खाय। पण कोई दी राणा प्रताप झुको नहीं, कारण खाय सी गांसना हजार दिन भूखे मरे। चातक पियना वारी सरसरी तान को, मारतन उगे न पश्चिम भ्रमना भ्रमित होके, हर सोड़े नहीं हरि ध्यान को, ऐसे ही प्रताप राणा तजे नहीं मान को। हल्दी घाटी म्यूजियम के अंदर ही एक शॉप है जहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती है। कौन हो रहे हो इसमें, आ जाएंगे यूट्यूब में, इधर दिख नहीं रहा। क्या नाम आपका भाई जी? संजय भाई। कमागणी, मिलते हैं आपसे दोबारा, और इन भाई की ख्वाहिश एक बार पूरी कर दीजिए और बार। हाँ चलो, आपका फोटो लेते हैं, चलो पहनो, हमारे देसी मारवाड़ी भाई। हाँ चलो लेते हैं आपका, आईफोन में फ़ोटो लेते हैं आपका, एक मस्त। यहाँ रह जाओ प्रेम भाई, आपको सूट करती पगड़ी। तो भाई हल्दी घाटी में जो भी बंदे हैं, काफ़ी एंटिक चीज़ें मुकेश भाई की दुकान पे मिलती है। मुकेश भाई से हमने बात की और इनको भी अपने वीडियो में लिया। मुकेश भाई नेक्स्ट टाइम जब राजस्थान आएंगे पक्का रुकेंगे और आपकी दुकान से बहुत सारी खरीदी करेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। फिलहाल लगेज काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। हमागणी नेक्स्ट टाइम दोबारा टाइम लेके आएंगे स्पेशल राजस्थान को। हल्दी घाटी में रायका भाई मिल गए, गोकुल भाई रबारी, काफ़ी अच्छा लगा। राम राम आपसे मिलके। चलो आपको मिलते हैं किसी और दिन, वापस से राजस्थान में आएंगे तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। आप भी कभी कच्छ आइए, हमसे मिलिए, ठीक है? जरूर जरूर। और हमारा चैनल तो है कच्छी ट्रैवल दिया हुआ, मिलते हैं। खमागणी।